हेलो एवरीवन, आई एम शिखा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी मैमल्स का फर्टिलाइजेशन, ये मैमल्स के फर्टिलाइजेशन की सेकेंड वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया एग का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड कैसे स्पर्म कवर करता है यूट्रस से हमारा फलोपियन ट्यूब तक का रीजन, कैसे कैसे वो यूट्रस से फलोपियन ट्यूब तक जाता है। अब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि इस्थमस रीजन में हमारा इस्थमस रीजन में उसका कैप्सुलाइजेशन होता है। सो अब हम पढ़ेंगे इस्थमस रीजन में उसका कैप्सुलाइजेशन कैसे होता है, क्यों उसका मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैप्सुलाइजेशन नहीं हुआ। सो कैप्सुलाइजेशन हमारा एक प्रोसेस है जिससे स्पर्म की टेल में मूवमेंट आता है, एंड स्पर्म मेटाबॉलिक एक्टिव हो जाता है। इफ कैप्सुलाइजेशन नहीं हो पाएगा स्पर्म्स में तो स्पर्म बिल्कुल फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे हमारे एग को। सो स्पर्म का कैप्सुलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अब वो क्यों हो रहा है इस्थमस रीजन में एंड कैसे हो रहा है, इस चीज को देखते हैं। पहली बात तो ये कि वो इस्थमस रीजन में इसलिए होता है बिकॉज इस्थमस रीजन में बाइकार्बोनेट आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, एल्ब्यूमिन की कंसेंट्रेशन हाई होती है एंड कोलेस्ट्रॉल की कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है। ये फोर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इस्थमस रीजन में स्पर्म का कैप्सुलाइजेशन होता है। बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा है, कैल्शियम आयन ज्यादा है, एल्ब्यूमिन ज्यादा है एंड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंट रीजन है। इसी वजह से हमारा स्पर्म का जो कैप्सुलाइजेशन है वो इस्थमस में हो रहा है, क्योंकि ये चार कंडीशन पूरी होनी बहुत जरूरी है स्पर्म के कैप्सुलाइजेशन के लिए। अब कैसे होता है स्पर्म का कैप्सुलाइजेशन वो देखते हैं। ये हमारा स्पर्म का हेड है, स्पर्म के हेड से ही कैप्सुलाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा, और ये हमारा फुल स्पर्म है जो कि हमारा इस्थमस रीजन में पहुंच चुका है। अब इस्थमस रीजन में हमारा एल्ब्यूमिन की कंसेंट्रेशन हाई है एंड कोलेस्ट्रॉल की कंसेंट्रेशन यहाँ पे डिफिशियंट है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। सो स्पर्म के हेड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, वो कोलेस्ट्रॉल ई फ्लक्स ले लेता है, उस कोलेस्ट्रॉल का ई फ्लक्स हो जाता है, उस ई फ्लक्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल बाहर चला जाता है। बट जैसे ही कोलेस्ट्रॉल का ई फ्लक्स हुआ, उसने हमारे दो चैनल ओपन कर दिए। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल का ई फ्लक्स हुआ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्टॉर्शन आया जिसकी वजह से उसने अपने दो चैनल एक्टिवेट कर दिए। कौन से चैनल एक्टिवेट कर दिए, उसने अपना बाइकार्बोनेट चैनल ओपन कर दिया, इस बाइकार्बोनेट चैनल को ओपन कर दिया एंड इस कैल्शियम रीजन के चैनल को ओपन कर दिया, कैल्शियम आयन के चैनल को ओपन कर दिया एंड बाइकार्बोनेट आयन के चैनल को ओपन कर दिया। एंड हमारा जो यहाँ पे इस्थमस में जो कंडीशन थी, इसमें बाइकार्बोनेट आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे एंड कैल्शियम भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे। सो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो हमारा जो बाइकार्बोनेट आयन थे वो हमारे इन आ गए एंड जो कैल्शियम आयन थे हमारे वो भी हमारे स्पर्म के हेड में आ गए। जब ये हमारे स्पर्म के हेड में आ गए तो बाइकार्बोनेट आयन ने एंड कैल्शियम आयन ने हमारा एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट किया, एडिनाइल साइक्लेस हमारा आप सब जानते हैं कि एडिनाइल साइक्लेस एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ये सब हमने सिग्नलिंग में पढ़ा हुआ है। इफ आपने मेरी सिग्नलिंग की वीडियोस को नहीं देखा है सो आप मेरी सिग्नलिंग की वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक मैंने प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो क्या हुआ, बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा होने की वजह से एंड कैल्शियम आयन ज्यादा होने की वजह से एडिनाइल साइक्लेस एक्टिव हो गया। एडिनाइल साइक्लेस एक्टिव हुआ तो उसने एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हमारा एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हुआ तो आप सब लोग जानते हैं, सिग्नलिंग में पढ़ा है कि साइक्लिक एएमपी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पीकेए पे जाके बाइंड होते हैं, पीकेए की रेगुलेटरी सब यूनिट से, जिसकी वजह से कैटालिटिक सब यूनिट फ्री हो जाती है एंड कैटालिटिक सब यूनिट हमारा आगे फंक्शन देती है। तो पीकेए क्या हुआ, हमारा फाइनली पीकेए हमारा एक्टिव हो गया, किसकी वजह से, साइक्लिक एएमपी की वजह से। अब जब हमारा पीकेए एक्टिव हो गया तो पीकेए ने हमारा एक्टिवेट किया फॉस्फोटायरोसिन काइनेज को एंड इनहिबिट किया फॉस्फोटायरोसिन फॉस्फेटेज को। फॉस्फोटायरोसिन काइनेज ने टायरोसिन का फॉस्फोरिलेशन कराया, फॉस्फोटायरोसिन फॉस्फेटेज इनहिबिट हो चुका है तो वो फॉस्फेट को रिमूव नहीं कर सका, इसका कोई फंक्शन नहीं आया। फॉस्फोटायरोसिन का फॉस्फोरिलेशन कराया, टायरोसिन पे हमारा क्या हो गया, फॉस्फाइलेशन हो गया। जब फॉस्फाइलेशन हो गया तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कैप्सुलाइजेशन होने के लिए। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल का एक मॉलिक्यूल बाहर गया था तो साथ में हमारा पोटेशियम चैनल भी ओपन हुआ था, के पॉजिटिव आयन बाहर गए जिसकी वजह से हाइपर पॉलीमराइजेशन कंडीशन क्रिएट हो गई
जिसने की हेल्प किया स्पर्म के कैपेसिटाइजेशन में। तो इस तरीके से हमारा स्पर्म का कैपेसिटाइजेशन होता है इस्थमस रीजन में। कैपेसिटाइजेशन से क्या हुआ, जैसे ही कैपेसिटाइजेशन हुआ टेल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, टेल मूवमेंट स्टार्ट हो गया एंड मेटाबॉलिक रेट जो था हमारा स्पर्म का वो हाई हो गया। अब फर्स्ट थिंग तो यही हुई कि स्पर्म मूव कर सकते हैं, अपने आप मूव कर सकते हैं हमारा। सेकेंड थिंग हुई हमारी यहाँ पे कि मेटाबॉलिक रेट हाई हो गया है, स्पर्म एक्टिवेट हो गए हैं, वो इजिली फर्टिलाइज कर सकते हैं। वो किसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं हमारा जूना प्लेसुडा लेयर को एंड फर्टिलाइजेशन हो सकता है। सो जो स्पर्म का मूवमेंट है अब इस्थमस रीजन से एम्पुला रीजन में, इस्थमस एम्पुला रीजन में, एम्पुला इस्थमस रीजन में ये हमारा कैपेसिटाइजेशन हो चुका है, मूवमेंट आ चुका है, इस वजह से होता है। एंड ये थर्मोटैक्सिस फॉलो करते हैं। जब हमारा कैपेसिटाइजेशन होता है, कैपेसिटाइजेशन होने के बाद हमारे ये मूव हो रहे हैं, पर किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं ये थर्मोटैक्सिस फॉलो करते हैं। थर्मोटैक्सिस का मतलब होता है टेम्परेचर को फॉलो करते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट को फॉलो करते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन्स फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर मूव होना। सो इन्होंने टेम्परेचर ग्रेडियंट को फॉलो किया, जिसकी वजह से ये हमारे एम्पुला इस्थमस रीजन में पहुंच चुके हैं। इंट्रैक्शन होगा स्पर्म्स का किससे, जूना प्लेसुडा लेयर से एंड देन उलेमा से, एंड देन फ्यूजन हो जाएगा। सो हम पढ़ते हैं स्पर्म का इंट्रैक्शन कैसे होता है जूना प्लेसुडा लेयर से। ओके, जूना प्लेसुडा लेयर हमारी फोर मॉलिक्यूल से, फोर प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी होती है। जूना प्लेसुडा 1, जूना प्लेसुडा 2, जूना प्लेसुडा 3, जूना प्लेसुडा 4, इन फोर मॉलिक्यूल से हमारी जूना प्लेसुडा लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब इनमें से जो थ्री होते हैं हमारे जूना प्लेसुडा 1, 2, 3, ये हैवीली ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। ग्लाइकोसाइलेटेड होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इनमें जो अमाइनो एसिड है उन पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अटैच होता है। क्या अटैच होता है हमारा, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन अटैच होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन अटैच होता है, वो क्या करता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन भी हमारे टू टाइप से अटैच होते हैं, एन लिंक्ड एंड ओ लिंक्ड। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अटैच होता है एस्पारजीन से, जिसके साइड से साइड वाला अमाइनो एसिड सीरीन या थ्रियोनिन हो, और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन डायरेक्टली अटैच होता है सीरीन एंड थ्रियोनिन से। ये दो टाइप के ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। उनमें से ZP1 जो होता है हमारा जूना प्लेसुडा फर्स्ट प्रोटीन जो होती है वो एन लिंक्ड होती है, जूना प्लेसुडा सेकंड प्रोटीन हमारी एन लिंक्ड होती है, जूना प्लेसुडा थर्ड प्रोटीन हमारी एन लिंक्ड भी होती है एंड ओ लिंक्ड भी होती है। ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है NAG, ये फंक्शन करता है, इसका मेजर रोल आता है, कैसे आता है देखते हैं। सो अब जब स्पर्म जूना प्लेसुडा लेयर से इंटरेक्ट करेगा, जब स्पर्म जूना प्लेसुडा लेयर से इंटरेक्ट करेगा तो वो इंटरेक्ट हमारे तीन स्टेप्स में करेगा। कौन कौन से तीन स्टेप्स होते हैं, क्या होता है हमारा स्पर्म पे हमारी एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ये हमारा स्पर्म का पोर्शन है, ये हमारा एग का पोर्शन है, ओवा का पोर्शन है। ओके, स्पर्म किससे कर रहा है, ओवा से कर रहा है हमारा, ओवा भी में भी किससे, जूना प्लेसुडा लेयर से। ओके, अब क्या हुआ हमारा स्पर्म में हमारी एक प्रोटीन होती है, दैट इज स्पर्म एडेशन प्रोटीन एसएडी फर्स्ट। वो क्या करती है, एक एसोसिएशन बनाती है, बिकॉज किसी को भी हमें डिग्रेड करना है, मर्ज होना है उसमें, तो सबसे पहले हमें एक प्रॉक्सिमल एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में एसोसिएशन बनाएंगे, जब एसोसिएशन बनेगा तो ये चेक करेगा कि क्या ये मेरी स्पीसीज का है, क्या ये मेरा गेस्ट है जो मैं इसको अलाउ करूं अंदर आना। ओके, जब ये इसको चेक करेगा फिर उसके बाद इफ ये राइट निकला, सेम स्पीसीज का निकला, ये इसका गेस्ट निकला, तो ये उसको इंट्रोडक्शन के लिए अलाउ करेगा। तो ये थ्री स्टेप होते हैं, पहले प्रॉक्सिमल एसोसिएशन बनाना, हाई एलो करना, देन इफ गेस्ट है तो अंदर आ जाता है। सो ऐसे ही इफ सेम स्पीसीज का है तो इंट्रोडक्शन हो जाता है, देन स्पीसीज का चेक होना, देन हमारा थर्ड स्टेप पे उसका इंट्रोडक्शन हो जाना। सो पहले स्पर्म एडेशन प्रोटीन है, स्पर्म एडेशन प्रोटीन ने हमारा प्रॉक्सिमल एसोसिएशन बनाया किसके साथ, ZP2 के साथ। जब उसने ZP2 के साथ अटैचमेंट बनाया तो ये दोनों अब अटैच हो गए। देन हमारा सेकेंड आता है, एक स्पर्म की हेड पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज GALT, beta-1,4 गैलेक्टोसाइलेज ट्रांसफरेज। ये हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है स्पर्म की हेड पे। एंड हमारा ZP3 हम सब जानते हैं ओ लिंक्ड हमारा नेग है। ये ZP3 का ओ लिंक्ड नेग इस रिसेप्टर के लिए एज अ लाइगेंड बिहेव करता है। जब ये इसकी तरह लाइगेंड का बिहेव करता है, इन दोनों में इंट्रैक्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल होते हैं, कंपेटेबल मीन्स सेम स्पीसीज के होते हैं। जब भी हमारा आगे का थर्ड इंट्रैक्शन होता है,
तो यहाँ पे हमारा जो ना प्लेसिडा लेयर ने क्या किया, हमारा एज अ लाइगेंड बिहेव करके हमारा पहले गैल्ट को चेक किया, गैल्ट सेम स्पीसीज का है, इफ गैल्ट सेम स्पीसीज का है, गैल्ट पे वो फिट हो रहा है, स्पीसीज स्पेसिफिकेशन हो रहा है, तो ही हमारा थर्ड इंट्रेक्शन को अलाउ करेगा, अदरवाइज यहीं पे क्रॉस हो जाएगा और हमारा स्पर्म एंट्री नहीं ले पाएगा। अब क्या होता है, थर्ड इंट्रेक्शन होता है कि हमारी स्पर्म की हेड पे एक जीपीसीआर प्रेजेंट होता है। जीपीसीआर क्या होते हैं, जीपीसीआर सिग्नलिंग कैसे होती है, ये सब हमने सिग्नलिंग में पढ़ा है, आप मेरी सिग्नलिंग की वीडियो को देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया। जीपीसीआर हमारा स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट होता है, हमारा स्पर्म के हेड पे जीपीसीआर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब वो जीपीसीआर रिसेप्टर हमारा, अब रिसेप्टर को लाइगेंड चाहिए, तो ZP2 इसमें लाइगेंड की तरह बिहेव करता है, ZP2 लाइगेंड की तरह बिहेव करता है, ये रिसेप्टर है। जब ये हमारा बाइंड होता है ZP2, हमारा ZP2 का भी नैग हमारा GPCR पे, तो हमारा कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है स्पर्म में। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारा एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। एक्रोसोमल रिएक्शन मींस कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एक्रोमीन एंजाइम्स रिलीज होते हैं हमारे, जो कि हमारे जोना प्लेसिडा लेयर को डिग्रेड कर देते हैं। बट हमारा ये हुआ कैसे, जो थर्ड स्टेप है, जो मेन स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में एसोसिएशन हो गया, सेकंड स्टेप में स्पीसीज स्पेसिफिकेशन हो गया, अब थर्ड स्टेप कैसे होता है हमारा, ये हमारा स्पर्म का हेड है, ये हमारा स्पर्म का हेड है, ओके, ये हमारा जीपीसीआर मॉलिक्यूल है, बताया था मैंने। जीपीसीआर मॉलिक्यूल का फुल जो आप पढ़ सकते हैं वो सिग्नलिंग से पढ़ सकते हैं। अब क्या हुआ, हमारा ZP2 है, ZP2 हमारा ये किसमें प्रेजेंट, ये हमारा ओवा है, ये हमारा ओवा पे हमारा ZP2 जोना प्लेसिडा लेयर है, उस पे हमारा ZP2 प्रेजेंट है। ZP2 ने बाइंड किया, एज अ लाइगेंड बिहेव किया जीपीसीआर रिसेप्टर के लिए। जीपीसीआर रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट हुआ, उसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन ने एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, एडेनाइल साइक्लेज ने साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन किया एटीपी से, साइक्लिक एएमपी बाइंड हुआ पीकेए पे, एंड पीकेए ने क्या किया, काइनेज, उसके पास काइनेज एक्टिविटी होती है, पीकेए के पास काइनेज एक्टिविटी होती है, उसने फॉस्फोराइलेट कर दिया किसको, कैल्शियम के चैनल को, उसने फॉस्फोराइलेट कर दिया कैल्शियम के चैनल को, जिसकी वजह से कैल्शियम का चैनल एक्टिवेट हो गया एंड कैल्शियम आयन अंदर आने स्टार्ट हो गए। जब कैल्शियम आयन अंदर आने स्टार्ट हो गए तो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया स्पर्म के हेड में, एंड आप सबको पता है स्पर्म के हेड में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम रिएक्शन हो गई, वो एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनमें मेन एंजाइम होता है एक्रोमीन एंजाइम, उन एंजाइम ने डाइजेस्ट कर दिया किसको, जोना प्लेसिडा लेयर को, उन एंजाइम ने स्पर्म के जो एंजाइम्स थे हमारे, एक्रोसोमल एंजाइम्स थे हमारे, इन्होंने डाइजेस्ट कर दिया रिलीज होके किसको, जोना प्लेसिडा लेयर को, जोना प्लेसिडा लेयर डाइजेस्ट हो गई, अब वो पहुंच गए उलेमा तक। अब उलेमा में उनका इंट्रेक्शन होगा, अब उलेमा से इंट्रेक्शन कैसे होगा, वो उसको फ्यूज कैसे करेंगे, फ्यूजन के बाद क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।